गई सरकार में, लेकिन गई सरकार के पूरे पांच साल के अंदर इसमें कोई मोटे तौर पर कोई काम नहीं हुआ है। एक काम हुआ वो हुआ एग्रीमेंट का, और उन्होंने एग्रीमेंट किया तीन पार्टी से, कंसेशनर के साथ में, बैंकों के कंसोर्टियम के साथ में और जेडीए के साथ में। कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आप किसी के साथ मिलकर पूरा करना चाहते हैं उसके लिए दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके पास में नो हाउ है लेकिन धन की व्यवस्था नहीं है तो आपको कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, या आपके पास में नो हाउ है लेकिन धन नहीं है तो आपको पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। इस पूरे केस के अंदर मुझे समझ में नहीं आया कि तीन ट्राइपार्टिक एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत थी। अगर कंसेशनर को बैंकर्स लोन देने को तैयार है तो लोन तो हमें भी दे सकते थे, और रिंग रोड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है जो हम नहीं कर सकते। आरओबी हम बनाते हैं, क्लोवरलीफ हम बनाते हैं, तो रिंग रोड हम क्यों नहीं बना सकते। दो योजनाओं की बड़ी क्रिटिसाइज की गई पहले बजट में मुख्यमंत्री ने, रिफाइनरी और दूसरी मेट्रो। मेट्रो के एक फेज को आप लोगों ने भी उसे आगे बढ़ाया, अगर उसमें लग रहा था कि घाटे का सौदा, लेकिन फिर भी आप लोग आगे लेकर के गए उसे। रिफाइनरी में अभी तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं बनी कि जिसकी वजह से कह सकें कि चले पूर्ववर्ती सरकार के जो एग्रीमेंट में खामियां थी उसे दूर करके हम लोग दो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल न हम रिफाइनरी के खिलाफ थे और न हम मेट्रो के खिलाफ थे, हम तो रिफाइनरी के फाइनेंसिंग पैटर्न के खिलाफ थे और मेट्रो के रूट की वायबिलिटी के खिलाफ। हमने तब भी कहा था, मैंने भी विधानसभा में कहा था कि मेट्रो का रूट वायबल नहीं है, फर्स्ट वन ए वन बी दोनों वायबल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, झूठी रिपोर्ट तैयार की, 4.5 लाख की राइडरशिप आएगी, तभी मैंने विधानसभा में कहा था ये 20,000 से ऊपर की राइडरशिप नहीं आएगी। उसी का परिणाम है कि इसके ऑपरेशन वक्त चल रहे हैं। अब सवाल यह कि वन ए के बाद उन्होंने वन बी क्यों शुरू किया। वन बी का काम शुरू करना हमारी व्यवस्था थी, वन ए के भारी भरकम घाटे को थोड़ा बहुत कम करने के लिए, इस रूट को कैसे हल्का फुल्का वायबल बनाने की कोशिश करने के लिए वन बी का काम करना हमारे लिए निहायत जरूरी था। इसलिए वन बी का काम कर रहे हैं, कुछ घाटे जो घाटा में हो रहा है उस घाटे में किस प्रकार से थोड़ी बहुत कमी अगर लाई जा सकती है तो वन बी के रूट को बनाने की लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि मेट्रो के रूट वायबल रूट नहीं थे, मेट्रो के जो रूट हम दूसरे फेज टू के लिए देख रहे हैं वो वास्तव में फेज वन के लिए रूट होना चाहिए था। इसी प्रकार रिफाइनरी के फाइनेंसिंग पैटर्न पर हमारे ऑब्जेक्शन आज भी जिंदा है। हमारा यह कहना है कि जितने करोड़ की रिफाइनरी लगेगी उससे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन राजस्थान सरकार का हो और फिर भी राजस्थान की हिस्सेदारी बहुत कम हो, ये कौन सा इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में विधानसभा में सवाल उठाए थे, हम आज भी सवाल उठा रहे हैं। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो राजस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए रिफाइनरी का मॉडल तैयार किया जाए, जिसकी कोशिश सरकार कर रही है और मैं समझता हूं उसका सोल्यूशन निकल जाएगा जी। लेकिन 3 साल कंप्लीट कर चुके, अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है तो इसमें कोई उंगलियां उठनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के साथ एचपी स्केल का एग्रीमेंट है जो अपने आप में कंपनी है। और कंपनी चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, सवाल यह देखना है कि मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूं, राजस्थान के हितों को। इसी सी बात है, स्टूडियो बनेगा आपकी टीवी का 10 लाख रुपए में, राजपाल सिंह आपका पार्टनर है, राजपाल सिंह जगह 20 लाख रुपए परसेंटेज होगी मेरी पार्टनरशिप 10, ये पक्षों का मॉडल सही है क्या। जो टोटल रिफाइनरी की कॉस्ट आ रही है उससे कॉस्ट से ज्यादा तो मैं दूंगा और पार्टनर बिल्कुल छोटा सा लूंगा, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है। चाहे एचपीसीएल करे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं राजस्थान की जनता के लिए जवाब दे हूं। अभी क्या संभावना है एचपीसीएल के साथ ही वापस होगा या बातचीत कर रहे हैं? हम तो इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, हमारा एचपीसीएल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, हमको उस इकोनॉमिक मॉडल से ऑब्जेक्शन है, इसमें चर्चा चल रही है। तो एग्री हो सकते हैं, एचपीसीएल भी अच्छा, कोई और कंपनी भी आ सकती है, एचपीसीएल से बात भी कर रहे हैं, बाकी से बात कर रहे हैं जी। लेकिन आवश्यकता महसूस करते हैं कि होनी चाहिए रिफाइनरी राजस्थान। मैं मानता हूं रिफाइनरी होना चाहिए लेकिन उसका इकोनॉमिक मॉडल जो पहले था वो इकोनॉमिक मॉडल तो कतई वायबल नहीं है, वायबल नहीं है, एडवर्स मॉडल है। सरकार के जो 2 साल का रिमेनिंग टाइम है इसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के ये लगता हो कि गांव शहर सभी का एक समग्र विकास हो सके जो बचा हुआ टाइम है, या ऐसी कुछ प्लानिंग्स हो जिसे आप धरातल पे लाने की तैयारी की जा रही है? पहले सब चर्चा कर रहा था तो मैंने कई फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा कर रहा था। हाँ, और फ्लैगशिप योजनाओं का कन्वर्जन 1 साल और 2 साल में नहीं होता, फ्लैगशिप योजनाओं का टोटो कन्वर्जन होने में समय लगता है। और जब आप देख रहे हैं भामाशाह नाम की योजना के बारे में पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर की चर्चा है। आजकल जो हम बात कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं हम, वो भामाशाह क्या है? भामाशाह ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अल्टीमेटली गांव के आम आदमी के लिए कैशलेस इकोनॉमी के वाहक के रूप में काम करेगा। ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था जो गई सरकार में हम लेके आए लेकिन पिछली सरकार ने छोड़ दिया। इस भामाशाह का प्लेटफॉर्म आप देखेंगे 5-7 साल बाद देखेंगे, वॉलेट के रूप में इसका इस्तेमाल होगा और ऐसा मल्टी डायमेंशनल ये आईटी प्लेटफॉर्म कॉमन मैन के हाथ में होगा। इस प्रकार के काम हम कर रहे हैं जिसका असर आपको जल्दी 2-4 साल में नजर आएगा और लॉन्ग टर्म असर होगा जी। कुछ ऐसी
योजनाएं हो सकती हैं कि जैसे मेडिकल एंड हेल्थ को लेकर के पूर्ववर्ती सरकार ने दिया, या एक बात उन्होंने कही थी कि टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई काम होना चाहिए, काम की गारंटी का जो उन्होंने कहा था, ऐसे कुछ प्लानिंग्स हैं? क्योंकि काम की गारंटी का कानून बना देना, कानून तो हिन्दुस्तान में खूब बने हुए हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन काम करा पाए। सवाल यह है जो बीएसबीआई की योजना है हमारी, जो बीमा की योजना लगातार ग्रो कर रही है, एक आम आदमी को भी हेल्थ, अपनी हेल्थ की केयर करने के लिए किसी कहां जाना चाहिए, उसकी मर्जी के हिसाब से जाए। ये पहली बार ऐसी योजना जिसके तहत हम ये काम कर रहे हैं कि न केवल सरकारी अस्पतालों में उसको फ्री दवाइयां मिले, बल्कि सरकारी अस्पतालों में जिन सुविधाओं का अभाव है और वो सुविधाएं अगर प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर अपना इलाज कराए। ये जो अभिनव योजना है, आने वाले समय में देखेंगे इतनी सारी योजनाओं का समन्वित असर पड़ेगा, और समन्वित असर राजस्थान के लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा। एक नया हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि अगर किसी सरकार की कोई योजना है, नेक्स्ट अगर सरकार बदल जाती है तो वो प्राथमिकता में नहीं रहती हैं। चाहे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिनको लिंगरोन कर दिया जाता है, या अटका के साइड में अपनी प्राथमिकता अलग होती है, तो क्या माना जाए, क्या योजनाएं वास्तव में 5 साल के लिए या 2 साल का टाइम बचा तो 2 साल के हिसाब से, अगर 6 महीने का बचा तो 6 महीने के हिसाब से ऐसी तैयार की जानी चाहिए? मैं समझता हूं योजनाएं तो लॉन्ग टर्म तैयार की जानी चाहिए, और योजनाओं का असेसमेंट योजनाओं की मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर कोई योजना सस्टेनेबल है, अगर कोई योजना जयपुर राजस्थान की जनता के लिए हितकारी है, तो किसने बनाई है महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से योजनाएं बनाते टाइम राजनीतिक मोटिव पीछे होते हैं, इस कारण से योजना सरकार बदलने के साथ योजनाएं खत्म हो जाती हैं। पॉलिटिकल मोटिव के साथ में योजनाएं बनाने की जो यहां पर काम शुरू राजस्थान में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये बंद होना चाहिए। राजस्थान में कॉमन मैन को, राजस्थान को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाएगी उसमें समझता हूं सरकारें आए जाएं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भामाशाह की योजना हमने शुरू की थी, लेकिन भामाशाह की योजना को सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन कोई भामाशाह की योजना कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से पैदा नहीं हुई थी। राजस्थान के कॉमन मैन को अपलिफ्ट कैसे करें, उसको हम स्वावलंबी कैसे बनाएं, उसके लिए योजना बनी थी, उसको कंटिन्यू होनी चाहिए। मैं सोचता हूं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई हुई योजनाओं का रिव्यू हो सकता है, समीक्षा हो सकती है, लेकिन कॉमन राजस्थानी को ध्यान में रखकर बनाई हुई योजना लंबी चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जन आवास योजना आप लोगों ने काफी उसमें राहत भी दी, अगर कोई पैसा लगाने वाला उसमें आ रहा है, बावजूद उसके बन रहे हैं अभी, लेकिन क्या माना जाए, इसका कुछ मॉनिटरिंग हो रही है कि कितना सफल हो पा रहा है? मॉनिटरिंग हो रही है, और जितनी गति मिलनी चाहिए गति अभी तक नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो सरकार का काम हो रहा है वो हिन्दुस्तान में नंबर एक पर है। इस आधार में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान और प्रदेशों के मुकाबले ठीक काम कर रहा है, लेकिन हमें इसको और गति देनी, कि हम चाहते हैं कि 2022 तक राजस्थान में ऐसा कोई आदमी नहीं रहे जिसके पास अपना खुद का छत नहीं हो। स्लम फ्री कर रहे हैं हम, हाउस होमलेस को होम देंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी का क्या होगा, क्वालिटी कैसी है, क्या इसके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हमने मैंडेटरी किया है, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद के आधार पर हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने 3 साल में या इससे पहले भी, कि अगर हम सरकार में आएंगे उससे और हम यही चीजें करेंगे, जैसे स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को बहुत सारी चीजों से लोगों ने अवगत कराया, उनको किस तरह से हम बात कर रहे हैं, चाहे जयपुर की अगर पृथ्वीराज नगर की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने इंटरेस्ट नहीं लिया, आप लोगों ने लिए भी, नियमन कैंप भी आप लोगों ने लगवाए, लेकिन उनको ऐसी प्लानिंग्स हैं जो वास्तव में चाहे गांव में हो चाहे शहर में बहुत वर्षों से पड़ी हुई है। पृथ्वीराज नगर की समस्या कांग्रेस के द्वारा पैदा की हुई समस्या थी, इसका समाधान हमने किया है, और इस समाधान की दिशा में आने वाली अड़चनों का निराकरण भी हम 2-4 दिन पहले हमने किया है। मैं समझता हूं आने वाले समय में पृथ्वीराज नगर का टाइम बाउंड डेवलपमेंट हम करेंगे, और आने वाले 7-8 साल में रखेंगे पृथ्वीराज नगर जयपुर की सबसे विकसित कॉलोनियों में से एक कॉलोनी होगी। जी, फ्लैट्स में पानी देने की अभी तो जो पैसा जो तय किया है जलदाय विभाग ने, लगता है कि थोड़ा ज्यादा है ये। अब थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे, कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, जो कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, और कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, उस कॉस्ट के हिसाब से हमेशा रेटें तय होती है। पीएचडी डिपार्टमेंट ने जो रेटें तय की है मल्टी स्टोरी के लिए, मैं समझता हूँ रीजनेबल है। जी, 2 साल में चुनौती क्या मानते हैं बड़ी, कि हमारे सामने ये चुनौतियां हैं? हमारे सामने 2 साल या 5 साल का प्रश्न नहीं है, हमारे सामने राजस्थान जिसको लोग पिछड़े हुए प्रदेश के रूप में कहते थे, उसको राजस्थान को एक प्रगतिशील और सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्य की कतार में कैसे खड़ा किया जाए, इसकी चिंता के साथ हमने काम शुरू किया। 3 साल में हमने काम शुरू किया है, आने वाले समय में आप देखेंगे जिसको राजस्थान को लोग पिछड़ा हुआ राजस्थान मानते थे उसको सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदेश के रूप में हम ला लेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कुछ ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसी भी जिले में ये आवश्यकता है, किसी शहर की आवश्यकता है, किसी रीजनल हेड को उसकी बात करें, एरिया की उसकी ये आवश्यकता? आपने अभी बात की थी कि हमने स्वराज संकल्प के अंदर जो घोषणाएं की है वो राजस्थान की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए घोषणा की, उन्हीं के आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। जी, आप लोग कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि 70 से ज्यादा% हम लोग उस पर काम कर चुके हैं, लेकिन प्रतिपक्ष अपने आंकड़ों के साथ में गिनाता है कि अगर इस सेक्टर में जो अनाउंसमेंट्स हैं अगर उस पर गौर करें तो इतने अनाउंसमेंट भी नहीं है कि जिसमें पट्टी लगाने से काम नहीं चलता है, कि पूरा कितना हुआ?
मैंने भी कहा कि सरकार का घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है जी, उसके अकाउंट का लिखा जो है जनता को हम देंगे, कांग्रेस को देने की जरूरत हमें कम है, जनता को देने की ज्यादा जरूरत है। हमें स्वराज संकल्प पत्र घोषणा पत्र जनता को समर्पित किया था, जो सरकार के 5 साल बाद हम चुनाव में जाएंगे तो घोषणा पत्र की कितनी घोषणाएं किस प्रकार से इम्प्लीमेंटी हम भी बताएंगे, जनता भी उसको देखेगी। हमारा पत्थर लगाने में विश्वास नहीं है, उन्होंने पत्थर लगाया रिफाइनरी का, उन्होंने पत्थर लगाया मेट्रो का, न रिफाइनरी बनी न मेट्रो उनके जमाने में बनी, इस प्रकार के पत्थर लगाने में हमारा विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं जिनपे हमने पत्थर लगाए वो काम पूरे 5 साल में हम कर देंगे जी। कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं जिसमें अभी प्राथमिकता में लेकर के आप करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल टाइम बाउंड लगता हो, थोड़ा प्रोजेक्ट हो अभी? हमने सबके लिए टाइम स्केल बनाया, सबका एक पॉइंट चार्ट बनाया। मैं समझता हूँ सारे कामों का हम मोटे तौर के ऊपर 2018 के खत्म होने से पहले पहले पूरा कर देंगे। कुछ ऐसे मिडिल टाउन्स को चुना है कि जिसमें अभी 2 साल के अंदर हम उसको विकास कर सकें? हमने जाना मिडिल टाउन का तालुका था, राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पर जोधपुर के अलावा अभी तक पूरे शहरों में 190 शहरों में 189 शहरों के अंदर मास्टर प्लान बन गया है। ये हिन्दुस्तान का पहला प्रदेश है। पूरे 2018 से पहले LED लाइटें सारी स्ट्रीटों पूरे राजस्थान में लग जाएगी। मुझे कहते हुए खुशी कि 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमें इस बात के लिए अवार्ड देने वाले हैं कि LED लाइटों को स्ट्रीट लाइट में तब्दील करने में राजस्थान पायलट स्टेट रहा है, और जिस मॉडल पे हमने काम किया है उस मॉडल को पूरा हिंदुस्तान के बाकी स्टेट फॉलो कर रहे हैं। इसके आधार में कहता हूं चाहे हमने डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं, हम ड्रेनेज प्लान बना रहे हैं, और पूरे 190 शहरों का ड्रेनेज प्लान, उनका डेवलपमेंट प्लान, उनका मास्टर प्लान, उनका लाइटिंग प्लान, ये सारा प्लान जो बन रहा है ये राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कई काम हमने जो किया वो हिंदुस्तान नंबर है, अमृत पर नंबर एक चल रहे हैं हम, LED लाइट के अंदर नंबर एक है हम, रिफॉर्म्स में नंबर एक है। इसलिए मैं इसके आधार में कह सकता हूं आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल हमारी सरकार के पूरे होंगे, तो आप देखेंगे अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमने कई डायमेंशन पे काम किया है, नए डायमेंशन पे काम किया है, और हिंदुस्तान में हमारी रेटिंग सबसे अग्रणी राज्यों में आती है, इस बात की मुझे खुशी है। ड्रेनेज सिस्टम की आपने कही, वाकई में इसकी आवश्यकता है, लेकिन पैसे का क्या होगा? चर्चा यह है कि जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम की रिपोर्ट भी तैयार करा ली गई है, सीवरेज के सिस्टम की भी करा ली गई है, लेकिन दोनों ही काम जिस तरह से चाहते थे आप लोग वैसे शुरू नहीं कर पाए क्योंकि वजह पैसा रहा। मोटी बात तो है कि आज तक ड्रेनेज का प्लान ही नहीं बना, जब प्लान ही नहीं बना तो आपको कितना पैसे की जरूरत है ये पता ही नहीं था आपको। अब पहली बार हमने प्लान बनाया है तो हमने क्वांटिफाई कर लिया है कितने रूपये की दरकार हमें इन चीजों को कन्वर्ट करने के लिए। रूपये को समस्या नहीं है, सवाल है कितना पैसा हमें चाहिए, इसको क्वांटिफाई करना, उसका प्रोडक्टिव यूज करना, उसका क्वालिटी यूज करना, जितने पैसों की दरकार होगी पैसा कोई कंसर्ट नहीं रहेगा, वेरियस सोर्सेज से पैसे को इकट्ठा करेंगे, पैसे रिसोर्स को मोबिलाइज करेंगे और पैसे को इम्पेडिमेंट नहीं बनने लेंगे। जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त प्रतिपक्ष में जो पार्टी होती है एक आरोप सबसे बड़ा होता है, वो होता है करप्शन का, या फिर कहें कि उनके वक्त ये धोखाधड़ी हुई है। अशोक गहलोत साहब भी जब वसुंधरा जी सरकार में थे, आप लोग मंत्री भी थे उस वक्त, लगातार करप्शन के चार्जेज लगाए, जब उनकी 5 साल की सरकार रही तो कुछ साबित नहीं कर पाए। आप लोगों ने भी उस वक्त जमीन स्कैम्स और बहुत सारी चीजों को लेकर के लगाया, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ चीजें सामने आई जिस पर जनता भरोसा कर सके कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ था? महज ये माना जा सकता है पहली बार करप्शन के मामलों को लेकर गए 3 साल में धुतकार की कार्यवाही हुई है। मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस के आधार के ऊपर जो काम हमने 3 साल में किया है उसकी जनता प्रशंसा कर रही है। आने वाले 2 साल में आप देखेंगे करप्शन फ्री सोसायटी बनाने की दिशा में हम किस प्रकार से और आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा इश्यू बना था उस वक्त कि उनकी जमीनों की हम जांच कराएंगे, कि कमीशन भी बैठा रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ सेंट्रल एजेंसीज की जांच कर रही है, इसे राजस्थान की एजेंसीज को जांच करने की जरूरत है नहीं, मोटे तौर पर हम उनका सहयोग करेंगे जी। चलिए ऐसे राजपाल सिंह जी शेखावत में जानना चाहूं, एक ऐसी क्या प्राथमिकता है जो राजस्थान में आप देखना चाहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल चाहता हूं कि ये काम राजस्थान में होना चाहिए? राजस्थान के ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर राजस्थान के ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो राजस्थान की तकदीर भी बदलेगी, राजस्थान की तस्वीर भी बदलेगी। जिस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं दोनों चीजों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाले समय में होगा उसमें हम अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। चलिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमने राजपाल सिंह जी के साथ में चर्चा की है और इन्होंने अपना वक्त दिया। अब माना जाना चाहिए कि बचे जो 2 साल हैं सरकार के लिए चुनौतियां हैं और विकास के बहुत सारे आयाम आगे बढ़ा सकें। शेखाव साहब यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एक चुनौती सरकारों के सामने है रोजगार की, और रोजगार के हम सृजित करने के अवसर दे सकें और उसमें बेहतर एक युवा है उन्हें संतुष्ट कर सके, क्योंकि जो बहुमत मिला था वो उम्मीदों का एक सैलाब कहा जा सकता है, जो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मर्चन जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना? हाँ जी मर्द। मर्द वही होता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा सुरक्षित रख सके? हाँ। वो देखो वहाँ
और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी कहा भैया, खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौच बनाने के लिए मदद कर रही है, तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए, और जब बच्चा समझ सकता है तो आप भी समझ जाइए, वरना उठा के पटक देंगे आपको। बोले दे रहा।